बीते 24 मार्च की आधी रात से शुरू हुए लॉकडाउन होने के बाद झारखंड के हजारों छात्र और सैकड़ों कामगार राजस्थान के कोटा में फंसे पड़े हैं। मुश्किल की इस घड़ी में अपने परिजनों से दूर छात्रों ने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार से झारखंड आने की गुहार लगाई है, लेकिन स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से सरकार छात्रों को लॉकडाउन के जारी रहने तक वहीं रुके रहने की नसीहत दे रही है। लेकिन इस बीच कोटा में फंसे छात्रों को लेकर झारखंड में सियासत शुरू हो गई है। छात्रों और मजदूरों को वापस झारखंड लाने के लिए विपक्ष मंगलवार को एक दिवसीय उपवास पर भी बैठा और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की। महामारी को देखते हुए पूरे देश भर में झारखंड के जो प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं, साथ ही जो विद्यार्थी कोटा और कोटा के जैसे अलग अलग राज्यों में रह रहे पढ़ाई कर रहे थे, विद्यार्थियों को अभी तक वापस लाने में नाकाम रही सरकार। बाकी आप देखेंगे कि पूरे झारखंड में उनकी जो स्थिति रही है सबके सामने जाहिर हो चुका है। मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहती, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, आप रांची को ही उठा के देख लीजिए। रांची नगर निगम से हमने लगातार कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तमाम किट और सैनिटाइजर, मास्क, स्प्रे, गन स्प्रे, ऐसे तमाम चीज़ों की खरीदारी करने के लिए हम लोग ने पैसा डिमांड किया था 10 करोड़ रुपये का, लेकिन अभी तक एक भी रुपया हम लोगों को नहीं दिया। एक आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार आज तक कुछ भी पैसा नहीं दी है। केंद्र सरकार पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में जो छात्र कोटा में फंसे हैं, उनके माता पिता भी लगातार पास बनवाने के लिए राज्य सरकार के पोर्टल से लेकर सूबे के जिला प्रशासन से आवेदन कर रहे हैं, मगर राज्य सरकार की तरफ से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उत्तर प्रदेश के बाद झारखंड के छात्रों को भी झारखंड वापस बुलाने की मांग उठ रही है। इस विषय पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों की हिफाजत का ध्यान रखते हुए उन्हें वहीं रुके रहने की सलाह दी है। राजस्थान से झारखंड तक पहुंचने में छात्रों को कई राज्यों से गुजरना होगा। मुख्यमंत्री ने लगे हाथ विपक्ष को भी आड़े हाथों लेते हुए मुसीबत की इस घड़ी में राजनीति से दूर रहने की सलाह दी है। राज्य से यहाँ तक बच्चों को लाने में कितने राज्यों से गुजर के आना पड़ेगा? 4 राज्य। और वो बच्चे कहीं रास्ते में संक्रमित हो गए, 4 दिन 5 दिन का सफर होगा, क्या ये संभव है? और मुझे जो जानकारी मिली है, शायद मेरी जानकारी गलत हो, ईश्वर से मैं दुआ करूंगा कि यूपी ने जो कोटा से बच्चों को लाया है उसमें से एक बच्ची संक्रमित निकली है पॉजिटिव। आप अंदाजा लगाइए स्थिति कितनी भयावह हो। कोविड-19 से पैदा हुए खतरे ने हमें कई स्तर पर घेरने की कोशिश की है। मुसीबत की इस घड़ी में जरूरत है धैर्य और संयम से काम लेने की और खतरे से निपटने को तैयार रहने की, नहीं तो कोरोना संक्रमण के इस माहौल में हम सभी को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है।